इस समय जब हम परमेश्वर के वचन में मनन करने के लिए जा रहे हैं, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय और उसका 9 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय और 9 पद। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। वह उनके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर अपनी करुणा करता है। ये वो परमेश्वर है जिसने संसार को बनाया है, इस संसार को एक आकार दिया है, अस्तित्व दिया है। ये वो परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है, और तब भी जब हम विश्वासयोग्य नहीं हैं, तब भी वो हमारे लिए विश्वासयोग्य है। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना है, और स्वयं परमेश्वर ने अपना आत्मा, अपना प्रकाशन हमारे अंदर दिया है। आप मूल्यवान हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में रचे गए हैं। आप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने आप पर चित लगाया है, अपना मन लगाया है। और यह परमेश्वर का वचन है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। एक बार एक बड़ी सभा में परमेश्वर के एक दास प्रचार कर रहे थे कि मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। A man cannot live without God। ये बात सत्य है, और आज हम इस बात को और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में एक मनुष्य परमेश्वर के बगैर रह सकता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता, तो याद रखिए परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए अगर की वाटिका में जब उस दिन आदम और हव्वा ने पाप किया, यह कहानी उस दिन खत्म हो जानी चाहिए थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को आशीष दी, उससे प्रेम किया, और फिर उस मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, और फिर परमेश्वर ने अदन की वाटिका से अर्थात अपनी उपस्थिति से मनुष्य को निकाल दिया और कहानी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह वो परमेश्वर आज भी मेरे और आपके पीछे आता है। ये सारी कहानियां जो अंततः बाइबल के अंदर लिखी हैं, एक के बाद एक, ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसके महान प्रेम का वर्णन है, और ये इस बात की घोषणा है कि वो परमेश्वर मनुष्य के बगैर नहीं रहना चाहता। उसे कहा, जा कहीं तुम जाओगे, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। 5 सितंबर 2011 को मैं दिल्ली हवाई अड्डे से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी। इस सिंगापुर एयरलाइंस है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग मानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइंस है। मुझे सिंगापुर जाना था, रात लगभग 12-1 बजे हम जहाज में चढ़ गए। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। तभी लगभग 3 या 4 बजे उस जहाज के अंदर बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी, मानो कि चारों तरफ से कोई जहाज पर पत्थर मार रहा हो। सारे यात्री जगे, जहाज के अंदर एक हड़कंप मच गया, लोग चीखने और चिल्लाने लगे।
लोग घबरा रहे थे, ये बात तेज तेज आवाजें थी, पता नहीं कि कोई हेल स्ट्रॉम था उस स्थान पर क्या था, लेकिन जहाज एक ऐसी परिस्थिति से निकल रहा था जहां बहुत साउंड हो रहा था। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी पायलट की आवाज आई, उसने कहा, मेरे प्यारे पैसेंजर्स, वो इंग्लिश में बात कर रहा था लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं एक अनुभवी पायलट हूं और मैं इस मार्ग पर पिछले 15 सालों से यात्रा कर रहा हूं और इस तरह की ये सर्कमस्टेंसेस होती रहती हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। लेकिन तभी आवाज आती था, लोग और चीखने चिल्लाने लगते और तब पायलट फिर से कहता, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल निराश ना हो, मैं एक अनुभवी पायलट हूं और मैं आपको इस परिस्थिति से निकालकर सुरक्षित सिंगापुर पहुंचाऊंगा। ऐसा लगभग 15 से 20 मिनट तक होता रहा, सारे यात्री डरे हुए थे। अंततः हम सही सलामत सिंगापुर पहुंच गए। मैंने पायलट को देखा और उसे दूर से थैंक यू बोला। जब मैं वापस मुड़ रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा। उसने कहा कि मैं एक अनुभवी पायलट हूं। मुझे वो शब्द याद आने लगे कि मैं एक अनुभवी पायलट हूं और मैं निश्चित सुरक्षित आपको आपके स्थान तक पहुंचा दूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर, एक परमेश्वर जो निश्चित तुम्हारे जीवन की यात्रा में तुम्हारे साथ होगा और तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जिसका वायदा उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया है। What a mighty God we have! What a faithful God we have! आज हम उस परमेश्वर के बारे में मनन करेंगे। उस परमेश्वर के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके संग साझा करना चाहता हूं। अपनी जिंदगी में इन 3 बातों को हमेशा याद रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी हो। सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है, ही इज अ लिविंग गॉड, वो एक जीवित परमेश्वर है। इस संसार में बड़े बड़े राजा, बुद्धिमान यशस्वी लोग आए जिन्होंने संसार में राज्य किया, उनका प्रभाव, उनका क्षेत्र बड़ा था, लेकिन समय के साथ वो संसार को छोड़कर चले गए। 6 नवंबर 1977 में एक ट्रेन दुर्घटना हुई और उसमें मेरे दादाजी का देहांत हो गया। जब मेरे पिताजी ने अपने पिता की डेड बॉडी को देखा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है खुर्जा रेलवे स्टेशन, तो मेरे पिताजी डर गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की डेड बॉडी को, उस लाश को जमीन पर, रेलवे स्टेशन की जमीन पर रखे हुए देखा। एंड ही वाज क्राइंग, और उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो एक जवान व्यक्ति थे और उनके आगे एक प्रश्न था कि अब मेरे जीवन का क्या होगा क्योंकि मेरे पिताजी अब मुझे संसार में छोड़कर चले गए हैं। लेकिन तभी उन्हें वो वचन याद आया जो मेरे दादाजी ने अपने बेटे को, अर्थात मेरे पिताजी से कहा था कि अगर मैं संसार से चला जाऊं तो याद रखना तुम्हारे समक्ष एक जीवित परमेश्वर है जो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। और आप जानते हैं यही वचन, यही प्रकाशन मैंने अपनी दोनों बेटियों को सिखा दिया है कि तुम्हारे समक्ष एक जीवित परमेश्वर है, एक विश्वास योग्य परमेश्वर है जो तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो एक विश्वास योग्य, ही इज अ फेथफुल गॉड। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, दो दोस्त थे,
एक जो दोस्त था उसका एक ग्रोसरी स्टोर था जिसमें सब प्रकार का राशन मिलता है, और जो दूसरा मित्र था वो गरीब था और वो घर घर जाता और मक्खन बेचता, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम मक्खन बेचता। और वो अपने इस धनवान मित्र की दुकान पर आता और उसे 1 किलो मक्खन देता और उसके बदले में चीनी चावल या जो कुछ उसे आवश्यक होता उसकी एक्सचेंज में उसके बदले में ले लेता। और ये मित्रता और ये व्यापार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन इस धनवान मित्र ने देखा कि उसका मित्र उसे जो मक्खन देकर गया है वो 1 किलो नहीं है, वो 900 ग्राम है, अर्थात उसमें 100 ग्राम की चोरी है। उसने सोचा कि कल मैं अपने मित्र से इस विषय पर बात करूंगा, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य मित्र नहीं है, ना वो एक विश्वास योग्य बिजनेसमैन है और ना ही वो एक विश्वास योग्य मित्र है। दूसरे दिन जब उसका मित्र उसे मक्खन देने के लिए आया, उसने अपने मित्र से कहा, मेरे मित्र तुम एक अच्छे विश्वास योग्य मित्र नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा ये मक्खन 900 ग्राम है, 1 किलो नहीं है। उसका ये गरीब मित्र निराश हो गया, दुखी हो गया और घबराने लगा। उसने अपने मित्र से कहा, मेरे मित्र मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं कि तुम्हें इस अनुभव से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे समान एक धनवान बिजनेसमैन नहीं हूं, इसलिए मेरे पास एक अच्छा तराजू नहीं है जिससे मैं उस मक्खन को अच्छे से तोल पाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारी दी हुई चीनी के 1 किलो पैकेट को अपना बाट बनाया था। यह है संसार, यह है संसार। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारे समक्ष एक विश्वास योग्य परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है और वो हमें कभी धोखा नहीं देता। कई बार हम उसे धोखा देते हैं लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। और उस महान परमेश्वर के बारे में तीसरी और अनूठी बात, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। ही इज ओमनीपोटेंट गॉड। ना केवल वो एक जीवित परमेश्वर है और एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, लेकिन वो एक सर्व सामर्थी परमेश्वर है। इस समय जब आप इस स्थान पर बैठे हैं, आप 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। ये पृथ्वी 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी धुरी पर घूम रही है, और न केवल इतना, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हमें कोई झटका नहीं लगता, हम बड़े आराम से अपने स्थान पर बैठे हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपका परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। चार्ली ड्यूक, नासा के एक महान साइंटिस्ट, जब वो चांद पर गए तो वो चांद पर चहलकदमी कर रहे थे और उन्होंने पृथ्वी को देखा और उन्होंने अपने घुटने टिकाए और अपने हाथों को उठाया और कहा, ये केवल परमेश्वर कर सकता है कि इतनी विराट सृष्टि, ये पृथ्वी हवा में खड़ी हुई है। इससे बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आपके साथ है और वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। क्या मनुष्य उस परमेश्वर के बगैर रह सकता है? Can a man live without God? आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल की तरफ चलें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 8 और 9 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया।
बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने संसार को बनाया तब सब कुछ अच्छा था, न केवल इतना लेकिन परमेश्वर ने कहा अच्छा है, God said it's good. ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। और यही यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा से प्रत्येक दिन मिलने के लिए अदन की वाटिका में आते थे। मैं जब कई दिनों की यात्रा के बाद अपने घर पहुंचता हूं तो मेरी दोनों बेटियां, एक बेटी जिसकी उम्र 13 साल है आर्णिका और दूसरी बेटी जिसकी उम्र 10 साल है आर्विका, वो बड़ी खुश होती है, बड़ी आनंदित होती है क्योंकि मैं 3 दिन बाद लौटा हूं और वो मुझे पकड़ लेती है और मुझे यहां प्यार करती है और वो मेरे जेब में हाथ डालकर पूछती है आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। ये बड़ा आनंददायक है, ये बड़ा सुंदर है। बाइबल कहती है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर और उसकी सृष्टि के बीच जो आनंद है, परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने के लिए आते थे। सब कुछ अच्छा था, वो बैठकर शायद बातें करते हो, परमेश्वर उनसे बात करता हो, आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा, आज तुमने क्या क्या किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन यही परमेश्वर जब आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए और डरने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया, उन्होंने पाप किया। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं अपने संदेश में दो मुख्य सिद्धांत आपके बीच में लाना चाहता हूं जिन्हें आप हमेशा याद रखें। पहली बात, उस परमेश्वर के बारे में मनन करें, चिंतन करें उस परमेश्वर के बारे में जो विराट है, अगम्य है, सनातन है, पवित्र है, सामर्थी है। बाइबल कहती है उससे कहा और ये पृथ्वी और संसार अस्तित्व में आ गया। इतना सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर के बारे में सोचें, थिंक अबाउट गॉड, उस परमेश्वर के बारे में बातचीत करें। वचन कहता है उसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। ये सूर्य के बारे में नहीं है, अभी तक परमेश्वर ने सूर्य नहीं बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक जब पहला वचन आप पढ़ते हैं वहां लिखा है लेट देयर बी लाइट और प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। ये सूर्य के बारे में नहीं है क्योंकि सूर्य को परमेश्वर ने चौथे दिन बनाया। अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो आप जानेंगे संसार में जो सबसे गतिमान स्थिति है वो प्रकाश की है, लाइट। ये प्रकाश कैसे अस्तित्व में आया? 3,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, प्रति सेकंड की रफ्तार से ये प्रकाश चल सकता है। 8 मिनट 24 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतनी विशाल दूरी को मात्र 8 मिनट और 24 सेकंड में यह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। यह परमेश्वर के बारे में, महान परमेश्वर जिसने समुद्रों को बनाया, जिसने संसार को बनाया, जिसने तारे नक्षत्र ग्रह नक्षत्र बनाए, सब कुछ जो आप देख सकते हैं। और यहीं से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। जब मैं लगभग 14 साल का था मेरे मन में परमेश्वर के प्रति, उस परमेश्वर को जानने के प्रति उत्सुकता थी। परमेश्वर कौन है, हम उसे कैसे जान सकते हैं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर सत्य है। भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल परमेश्वर ही सत्य है। उस परमेश्वर को हम कैसे जानेंगे? वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया उसके बारे में सोचिए, चलते फिरते उठते बैठते उसके बारे में कल्पना कीजिए। मैं घंटों घंटों और घंटों उस परमेश्वर के बारे में सोचता रहता हूं। बाइबल कहती है उस परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की और देखा कि क्या कोई है जो मुझे जानना चाहता है। Is there anyone who is seeking me? आज सुबह जब मैं चर्च में बता रहा था कि मैं मुख्यतः आगरा शहर से रहने वाला हूं और आगरा जो शहर है वो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, लोग उसे देखने आते हैं।
लोग ताजमहल को देखकर चले जाते, लेकिन ठीक ताजमहल के बाहर एक पुस्तक है जिसकी कीमत 100 रुपए है और उसकी में लिखा है आइए ताजमहल को जाने। लेकिन जो उस पुस्तक को खरीदता है, पढ़ता है, वो ताजमहल के बारे में जान सकता है कि ये ताजमहल को बनने में कितने साल लगे, इसमें कितने प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, इसको बनाने के लिए कितने लोगों ने मेहनत की इत्यादि, ये सारी बातें ऑल अबाउट ताजमहल। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आप निश्चित ही उस परमेश्वर को जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसे जानें। हमारा सवाल है क्या मनुष्य परमेश्वर के बगैर रह सकता है, लेकिन इससे पहले कि हम उस मनुष्य की उस परिस्थिति के बारे में बात करें, हमें परमेश्वर के बारे में बात करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। वो जीवन का स्रोत है, सब भलाइयों का स्रोत है। जब मैंने अपने जीवन में पहली बार समुद्र देखा था तो मैं 5 मिनट तक सोचता रहा कि वो विराट परमेश्वर, उसने इतने विराट समुद्र को कैसे बनाया, और बाइबल कहती है कि उसने उसकी हदों को ठहराया, ये तुम्हारी हदें हैं। जब मैं आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कैसे और किसने इसे बनाया। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं गुलाब के फूल को लेकर सोचता रहता था कि इसके अंदर ये इतनी मीठी खुशबू कैसे आई। अब जानते हैं इस समय जब आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, आपकी आंखें 70 लाख रंगों को देख सकती हैं। 70 लाख रंगों में आप भेद कर सकते हैं। ठीक इसी समय जब आप पीला देख रहे हैं, आप सफेद भी देख सकते हैं, आप लाल भी देख सकते हैं, आप काला भी देख सकते हैं। 70 लाख रंगों को आप एक साथ देख सकते हैं। आपके हाथों में जो मोबाइल है उसमें 20 मेगापिक्सल है, लेकिन जो आपकी आंखों में है वो 576 मेगापिक्सल है। ये है परमेश्वर के बारे में, ये है परमेश्वर। इसी समय जब आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, आपके शरीर के अंदर 13 फंक्शन काम कर रहे हैं। अगर यह कोई मेडिकल डॉक्टर है तो इस बात को जानता है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका न्यूरो सिस्टम, आपका लिम्फेटिक सिस्टम, आपका स्केलेटन सिस्टम, आपकी सारी धमनियां, लगभग 13 सिस्टम जिसके अंदर हजारों लाखों सेल्स हैं, वो एक साथ काम कर रहे हैं। यह है परमेश्वर, यह है परमेश्वर। अब मौसम बदल रहा है, कुछ दिनों पहले ठंडा था, अभी गर्मी आ रही है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए क्योंकि अब जब किसान खेती करेंगे तो उनकी फसलों को पकने के लिए सही प्रकाश, सही तापमान चाहिए, सही तापमान। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, अगर आप में से कोई साइंस के छात्र तो इस बात को जानते हैं, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को लेकर ऑक्सीजन बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं या जो फल फ्रूट्स होते हैं बनते हैं। अगर ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना आए तो ये सारी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और हम सब लोग ठंड से मर जाएंगे। और ना केवल इतना, लेकिन सूर्य के प्रकाश की ना होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की विधि अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस खत्म हो जाएगा और पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे। यह है परमेश्वर जो आपकी चिंता करता है। इससे पहले कि ये बातें आपके मन में जन्म लें, इन बातों के बारे में आप सोचें, परमेश्वर उसे कर ही देता है। आप उसे नहीं कहते कि अब ऐसा होना चाहिए, उसे मालूम है कि उसे क्या करना है। दूसरी ओर मनुष्य, हम मनुष्य के बारे में बात करें, अब हम मनुष्य के बारे में बातचीत करें। मनुष्य कैसा है? बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तब सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जब पाप संसार में आ गया अनाज्ञाकारिता के द्वारा,
वचन कहता है कि उसी परमेश्वर ने जो दयालु है, प्रेमी है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, बाइबल कहती है कि उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। अदन की वाटिका का मतलब केवल एक बगीचे से नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट अ प्लेस बट इट्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, अगर आप यशाया नबी उसका 6 अध्याय पढ़ें, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर जब अपने सिंहासन पर विराजमान है तो उसके सामने स्वर्गदूत है, सराफिम स्वर्गदूत, और उन स्वर्गदूतों ने अपनी आंखें परमेश्वर की उपस्थिति में बंद कर रखी हैं और वो कह रहे हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र। अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को क्यों जाना पड़ा?